सब्जियों में ग्राफ्टिंग एक अनूठी बागवानी तकनीक। ग्राफ्टिंग एक ऐसी कला और तकनीक है जिसमें विभिन्न पौधों के दो जीवित भागों यानी रूट स्टॉक और सायन को एक साथ इस तरह से जोड़ा जाता है कि वे एक साथ एकजुट हो जाते हैं और बाद में एक समग्र पौधे में विकसित होते हैं। सब्जियों में ग्राफ्टिंग के अनेकों फायदे हैं, जैसे कि पौधों की रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, नेमाटोड जैसी समस्या से निदान, कम और उच्च तापमान को सहन करने की सहिष्णुता, उच्च नमक और खारापन के प्रति सहन शक्ति, बाढ़ या अधिक पानी की समस्या से बचाव, भारी धातु और जैविक प्रदूषक तत्वों के प्रति पौधे को मजबूती देना, उन्नत पोषक तत्वों के बढ़ने के साथ साथ उपज में वृद्धि, पौधे की गुणवत्ता में बदलाव आना। और इसके अलावा वेजिटेबल ग्राफ्टिंग के द्वारा हम प्रदर्शनी और शिक्षा के लिए सजावटी मूल्य के पौधे भी तैयार कर सकते हैं। किन सब्जियों में हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? सोलनेशियस सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च में, कद्दू वर्गीय बेल वाली सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूजा, लौकी, टिंडा, खीरा आदि में, सोलनेशियस सब्जियों में स्प्लाइस ग्राफ्टिंग और कद्दू वर्गीय बेल वाली सब्जियों में कॉटिलीडन ग्राफ्टिंग करते हैं। टमाटर में स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, यहां हम टमाटर में स्प्लाइस ग्राफ्टिंग की तकनीक को दर्शा रहे हैं। 45 डिग्री का एक टेढ़ा कट लगाते हैं, रूट स्टॉक और सायन पर किया जाता है और बाद में क्लिप की मदद से दो पौधों को एकजुट करने के लिए ग्रीन हाउस में संरक्षित वातावरण में रख देते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कॉटिलीडन ग्राफ्टिंग, इसी तरह यहाँ हम कद्दू वर्गीय सब्जियों में कॉटिलीडन ग्राफ्टिंग की तकनीक को दर्शा रहे हैं। इसमें दो नए पत्तों में से एक पत्ता रख कर हम एक टेढ़ा कट लगाते हैं और उस रूट स्टॉक के ऊपर इस तरीके से इसे टेढ़े कट के इस्तेमाल से सायन को क्लिप से जोड़ देते हैं और बाद में गीले कपड़े जो कि फॉगर से भीगता रहे एक टनल रूपी ढांचे में ग्रीन हाउस में रख दिया जाता है। खेतों में ग्राफ्टेड सब्जियों का उत्पादन, खेतों में ग्राफ्टेड सब्जियों का उत्पादन करने के लिए बल्ज और ड्रिप प्रणाली का इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह बेल वाली सब्जियों के लिए हम स्टॉकिंग यानी बांस के ढांचे पर बेलों को चढ़ाने की विधि इस्तेमाल करें तो हम अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। बाकी अन्य किसी भी रख रखाव की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, हम आम फसल की तरह उसका संरक्षण कर सकते हैं। हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में ग्राफ्टिंग के लिए रूट स्टॉक्स की पहचान के उद्देश्यों के साथ हिसार में अनुसंधान कार्य शुरू किया गया है जो कि हमारे क्षेत्र की प्रचलित समस्याओं जैसे संरक्षित खेती में नेमाटोड की समस्या, कुछ क्षेत्रों में लवणता या खारापन, क्यूकोबिट्स और सोलनेशियस सब्जियों में फ्यूसेरियम या बैक्टीरियल विल्ट से सुरक्षा के साथ साथ पौधे की शक्ति और उपज में वृद्धि कर रहे हैं। 2018 में 175 लाख की राशि की एक RKVY राफ्टर परियोजना को मंजूरी दी गई है जिसमें डायरेक्टर ऑफ रिसर्च द्वारा शोध कराया जा रहा है। HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में ग्राफ्टिंग पर ट्रेनिंग। सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कई प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा चुका है जिससे किसान भाई बहनों ने लाभ उठाया है और आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे जिससे वे इस तकनीक को सीख सकें और इसका पूर्णतः लाभ उठा सकें।